नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। देखते हैं आज की सुर्खियां। मीरठ शहर के दो वार्ड में शांतिपूर्वक हुआ मतदान, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। विधायक बंडेपा खाशमपुर ने कहा, नरेगा योजना लोगों की कठिनाई के समय मदद करती है। अमित शाह ने कहा, मुंबई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना, बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की। सुपर वीआईपी का दर्जा नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सज्जन कुमार की बेल की अर्जी, काट रहे हैं उम्र कैद। अफगानिस्तान से लौटे 3 स्निफर डॉग्स की सेवाएं छत्तीसगढ़ में ली जाएंगी। भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव 10 सितंबर को होगा लॉन्च, दुश्मन की हर चाल पर रखेगा नजर। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 5 IAS अधिकारियों को सुनाई जेल की सजा, कोर्ट की अवमानना का मामला। फिर बढ़ेगा कोरोना विस्फोट का खतरा, तीसरी लहर के खतरे के बीच 10 राज्यों में खुल रहे स्कूल। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने प्रवीण कुमार को दी बधाई। ओम बिरला ने कहा, हम सांसदों के साथ हेडमास्टर की तरह व्यवहार नहीं करना चाहते। वैक्सीनेशन में सबसे फिसड्डी बंगाल, सिर्फ 41% वयस्कों को लगी है पहली डोज, देश का आंकड़ा 54%। JNU में शुरू होगा विवादास्पद आतंकवाद रोधी कोर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने दी मंजूरी, सूत्र। अंकल संजय गांधी को खतरनाक उड़ान भरने से हमेशा रोकते थे पिता, राहुल गांधी ने किया खुलासा। सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई देने शमशान पहुंची शहनाज गिल, हालत देख सबकी आंखें नम। राम की शरण में ओवैसी, 7 सितंबर को अयोध्या से शुरू करेंगे यूपी का 3 दिनों का दौरा। ईरान समर्थित समूह पर इसराइल ने किए मिसाइल अटैक, रात भर होते रहे हमले। अफगानिस्तान में अब फिर से शुरू होंगी घरेलू उड़ाने, तालिबान राज से मिली मंजूरी। चीन की गोद में बैठेगी तालिबान की सरकार, कहा देश चलाने को हम उनकी फंडिंग पर ही निर्भर। केबीसी होस्ट को लेकर सौरव गांगुली से अमिताभ बच्चन ने किया मजाक, सुनकर लोटपोट हुए वीरेंद्र सहवाग। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भारतीय बल्लेबाजों के लगातार फ्लॉप होने पर भड़के सुनील गावस्कर, बैटिंग तकनीक में बदलाव करने की सलाह। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।